नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पढ़ाई चैनल में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था ईडीएम का चल रहा था, ठीक है, ये इसकी फिफ्थ वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो भी लाइक कर दिए भूल जाते हैं बाद में आप। पहला कह रहा है हिट द नेल ऑन द हेड टू डू अ राइट थिंग एट द राइट टाइम, मतलब सही समय पर किसी कार्य को करना। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, एक सम्मान करना है किसी को, कहना टू डू और से द एग्जैक्ट थिंग्स, बिल्कुल सही बात बोलना आपका। नेक्स्ट है ऑप्शन चॉइस, मतलब कोई अल्टरनेट नहीं होना है, कोई विकल्प नहीं है, कोई चॉइस नहीं होना। नेक्स्ट होल्ड नो वाटर, सही नहीं होना, नो करेक्ट और ट्रू यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट है होल्ड समवन टू लीज, टू रिस्ट्रेन, काबू में किसी को रखना। नेक्स्ट होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, सीक्रेट पॉलिसी यानी गुप्त नीति। नेक्स्ट है होपिंग अगेंस्ट होप, विदाउट होप आना, ठीक है, बिना आशा के। नेक्स्ट हॉर्नेट नेस्ट, मतलब विवाद, कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट है हॉट पोटैटो आपका, ठीक है, ऐसा मुद्दा जिस पर लोग अलग अलग मत हो और सभी अपने चारों पर अड़ेंगे, मतलब अड़े रहे हैं। एंड इशू और क्वेश्चन अबाउट विच पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड फील वेरी स्ट्रॉन्गली। नेक्स्ट है यू एंड क्राई, होल हल्ला, मतलब अलाउड पब्लिक आउट क्राई, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा नॉइज शोरगुल भरा आपका, ठीक है, रिपीट है आपका, अगेन तीन रिपीट हो गए। नेक्स्ट है हुला बालो, हुला बालो मतलब शोरगुल यानी कि वेरी नॉइज एंड कन्फ्यूज सिचुएशन आपकी। नेक्स्ट है हश हश यानी कि वेरी सीक्रेट, गुप्त। नेक्स्ट है हस मनी, किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा, मनी गिवन टू दी समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट। नेक्स्ट है इन अ फिक्स यानी कि मुसीबत में होना, इन अ डिफिकल्टी। नेक्स्ट है इन अ फ्लेटर यानी कि उत्तेजित होना, एक्साइटेड होना, ठीक है, ये रिपीट है। नेक्स्ट है इन अ फॉग, मतलब कन्फ्यूज, अब धुंध में जाओगे तो कन्फ्यूज रहोगे ना आपका, कन्फ्यूज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इन अ नटशेल, मतलब संक्षेप में, इन अ ब्रीफ मतलब छोटे उसमें। नेक्स्ट है इन अ पिकल, कठिन परिस्थिति में होना। नेक्स्ट है इन अ ट्राइस यानी कि वेरी क्विकली, बहुत जल्द। नेक्स्ट इन अ वे यानी कि होपफुल, आशावादी। नेक्स्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब लिखित में देना आपका, इन प्रिंटेड और रिटन फॉर्म। इन अ कैप्ट यानी विद टू कॉन्स्पिरेसी विद समवन, कोई षड्यंत्र रखना अपना, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ कोल्ड ब्लड, मतलब बिना किसी मान्य भावना के किसी को ह्यूमन फीलिंग होना कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट इन फॉर अ शॉक, अचानक आई मुसीबत, टू गेट अ सडन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इन अ फुल स्विंग, पूरे जोर शोर से, एट द हाइट ऑफ द एक्टिविटी। नेक्स्ट है इन हाई स्पिरिट्स, मतलब वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना आपका, ठीक है, चीयरफुल, वही है, अगेन रिपीट है ये। नेक्स्ट इन नो टाइम, मतलब वेरी क्विकली, शीघ्र ही करना। इन वंस किटी, मतलब ऐसा पाच में गुट के सभी लोगों का कुछ प्रदान करे। कंटेनर कैप और पर्टिकुलर पर्पज टू विच ऑल मेंबर ज्वाइंट कंट्रीब्यूट, मतलब कुछ कुछ डालना आपका। नेक्स्ट इन द ब्लूज, मतलब दुख संताप में, इन अ डम डिप्रेस्ड। नेक्स्ट है इन द गुड बुक्स, मतलब लाभ और हानि, पक्ष और विपक्ष, एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी कि आर्गूमेंट एंड कंसिडरेशन और किसी चीज़ के लिए या किसी के फेवर में होना आपका, ठीक है। बुक्स ऑफ आ गए तो फेवर में खाली बुक्स आएगा तो वो है। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन, मतलब अल्टीमेटली। नेक्स्ट वही है अंत तक, ए लॉन्ग पीरियड ऑफ। नेक्स्ट है इन द निक ऑफ द टाइम, ठीक समय पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। नेक्स्ट है इन द सेम बोर्ड, मतलब एक ही हालात में, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो आपके, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ वोग्यू यानी कि प्रचलित, जो करंट फैशन में चल रहा है आपका। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट, मतलब विवरण, कम्प्लीकेशन और फुल डिटेल, वही है संपूर्ण जानकारी, अगेन ये तीन बार रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है योटा, योटा मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटा। नेक्स्ट है आयरन फिस्ट, मतलब कठोर नियंत्रण करना, ट्रीट पीपल इन अ सर्वली मैनर। नेक्स्ट है आयरन हैंड, मतलब कि कड़क कंट्रोल्स करना, रिग्रियस कंट्रोल करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इचिंग पाम, क्रेविंग फॉर अ ब्राइव, हाथ मिस लेने की आदत होना। नेक्स्ट है इट्सी बिट्सी, वेरी स्मॉल और टिनी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा आपका। नेक्स्ट आइवरी टावर यानी कि इमेजिनरी वर्ल्ड, सपने ही देखना, काल्पनिक दुनिया। नेक्स्ट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, मतलब जो आदमी किसी भी काम में निपुण ना हो लेकिन सभी कार्य की जानकारी रखता हो। अ पर्सन हु नोज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बट इज ए मास्टर ऑफ नन, किसी का मास्टर नहीं है। नेक्स्ट है जेल वर्ड, मतलब अ पर्सन हैज़ बीन कन्फाइंड इन अ जेल, जो जेल में हो या पहले रह चुका हो। नेक्स्ट है जॉन्डिस आइस, मतलब टुक अ लुक एट अ कंक्लूजन प्री मैच्योरली, मतलब पहले ही किसी घटना के लिए दृष्टिकोण होना, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। नेक्स्ट है कंगारूज कोर्ट, एन इलीगल कोर्ट, गैर कानूनी न्यायालय।
नेक्स्ट है कीप वन एट अ बे, मतलब कीप एट अ डिस्टेंस, दूरी रखो स्टेप से. नेक्स्ट कीप वन स्कार्ट क्लोज टू वन चेस्ट, मतलब हाइडिंग समथिंग, किसी बात को छुपाना. नेक्स्ट कीप वन फिंगर क्रॉस, मतलब ना किसी फिंगर क्रॉस, किसी छिघटना होने की समय कामना करना. नेक्स्ट कीप वन स्पॉट बॉइलिंग, सिर्फ गुजारा भरा ही कमाना. नेक्स्ट कीप वन वन अपने प्रोमिस पूरे करना, टू कीप वन प्रोमिस. नेक्स्ट है कीप वन आइस ऑन दी बॉल, बी रेडी फॉर समथिंग, किसी काम के लिए तैयार रहना. अगेन रिपीट है, टू नेक्स्ट है कीप समवन अंडर थंब, टू कीप समवन अंडर वंस कंट्रोल, यानी कि दबा कर रखना. नेक्स्ट है कीप द बॉल रोलिंग, मतलब जारी रखना, टू मेंटेन प्रोग्रेस फॉर प्रोजेक्ट और प्लान. कीप द बॉल फ्रॉम द डोर, मतलब कि दरिद्र स्टारवेशन भुखमरी को दूर रखना अपना, टू अवॉइड पॉवर्टी और स्टारवेशन. नेक्स्ट वही है भुखमरी से बचना, किक द बकेट, मतलब मर जाना, टू डाई. नेक्स्ट किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक ही चीज छिड़े मतलब एक कार्य दो ही समय से निपटारा कर देना उनका. नेक्स्ट वही अगेन रिपीट है किथ एंड किन, मतलब बंधु बंधुआ, ब्लड रिलेशन, निपोटिज्म. किट वंस प्रो, मतलब टू फ्रॉन, गुस्सा करना एकदम से ना. नेक्स्ट है लेडी किलर, बहुत आकर्षक, अ मैन हु इज वेरी अट्रैक्टिव टू वुमेन. नेक्स्ट है लेडीज मैन, जो महिला के संगत में रहना पसंद करता हो आपका, ठीक है. लेट डाउन देयर आर्म्स, स्टॉप फाइटिंग, हथियार डाल देना. नेक्स्ट है लेम एक्सक्यूज, मतलब कि अच्छा जो बहाना, फॉल्स एक्सक्यूज, बेसलेस. नेक्स्ट है लैटिन एंड ग्रीक, अनेबल टू अंडरस्टैंड, समझ से परे. नेक्स्ट कह रहा है लॉफ वंस हेड ऑफ, मतलब लॉफ हार्टेडली, जोर से हंसना. नेक्स्ट है लॉफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र बनना. नेक्स्ट लेइंग ऑफ डिसमिसल फ्रॉम द जॉब, नौकरी से निकाल देना, निकाला होना उसका. नेक्स्ट है ले आउट व्यय करना, टू स्पेंड मनी फॉर आउट, जीवन व्यतीत करना ना. नेक्स्ट लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कोई पत्थर नहीं छोड़ना, तो हर तरह का प्रयास करना आपका. यूज ऑल अवेलेबल मीन्स. नेक्स्ट लीव वन इन दी लर्ज, किसी को परेशानी में छोड़ना, डेजर्ट इन समवन इन डिफिकल्टीज आपका, ठीक है. नेक्स्ट है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, उल्टे हाथ से करोगे तो इंसल्ट डिस्गाइज हो एज ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब टोंट मार देना तो दिखाने कॉम्प्लीमेंट दिया आपने. नेक्स्ट है लेट द कैप आउट ऑफ द बैग, रिवेल अ सीक्रेट, मतलब किसी चीज़ को बता देना. नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब वही है सीक्रेट ऐसे खोल देना. लाइक अ कैट ऑन अ हॉट ब्रेक, मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस होना. अब बिल्ली को तुम ईंट पर रख दोगे तो गर्म ईंट पर तो नर्वस होगी बेचारी वो, ठीक है. नेक्स्ट है लॉयन शेयर, मतलब लार्ज पार्ट, लॉयन बड़ा होगा ना, मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट या फिर यूज कर सकते हैं इसमें या हिस्सा. नेक्स्ट लिव इन आइवरी टावर, मतलब वही अपना जीवन करना, रिपीट है आपका. नेक्स्ट है लिव वायर, मतलब एनर्जेटिक, जिंदा जल, ऊर्जावान, ठीक है, वही रिपीट है. नेक्स्ट है लॉब्स एंड फिशेस, मतलब मेटेरियल बेनिफिट, व्यक्तिगत लाभ, अपने भी बारे में सोचना. नेक्स्ट है लॉक स्टॉक एंड बैरल, मतलब होल, पूरी कंप्लीट जानकारी होना पूर्ण रूप से आपका. नेक्स्ट है लुक ऑफ कलर्स, मतलब अस्वस्थ दिखाई देना, अगर तेरा कलर नील डल हो गया ना, पेल हो गया बोलते हैं, तो लुक इल और अनहेल्दी. नेक्स्ट है लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, टू सी विद द डिफरेंट, झूठे आवरण से देखना. नेक्स्ट है लूज ग्राउंड, फेल टू कीप पोजिशन, अपना स्थान बनाए रखने में असमर्थ व्यक्ति, जो अपनी पोजिशन नहीं रख पाता. नेक्स्ट लूज देयर हेड, टू बी कैरिड अवे, भावना में बह जाना. नेक्स्ट लंप इन दी थ्रोट, मतलब गला भर जाना, भावना का समझते ना. नेक्स्ट है मैड एज अ मार्च हेयर, क्रेजी और इंसान, बिल्कुल सिरफरा पागल. नेक्स्ट है मेड मनी, मतलब आपके पैसा कमाना, बहुत धनी होना, वेरी वेल्दी. नेक्स्ट है मेडन नेम, ए वूमेन सरनेम बिफोर मैरिज, ठीक है, विवाहित स्त्री का, विवाह से पूर्व का नाम. नेक्स्ट है मेडन स्पीच, पहला स्पीच, ठीक है. नेक्स्ट है मेक अप बी अ लाइन फोर, मतलब सीधा टू गो डायरेक्टली टूवर्ड समथिंग, ठीक है गाइस. ये 100 कंप्लीट हो गए हैं, बाकी आप लिली जाके चेक कर सकते हैं, वन वर्ड और सिनोनिम्स, यानी कि और ईडीएम की आपकी है ही है, मैथ भी चल रही है आपकी, मैं एडवांस भी और अर्थमेटिक भी करंट अफेयर डाल ही चुका हूँ, जो भी पसंद आए आप देख सकते हैं, प्लेली जाके चेक कर सकते हैं. अगर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत.